सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगेन एक रिव्यू वीडियो होने वाला है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मास का रोज़ एसएन मेकअप फिक्स स्प्रे। अगर आपको भी एक अच्छे मेकअप फिक्सर की ज़रूरत है और आप भी इसे बाय करना चाहते हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, अगर आप इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ शमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शमास कॉर्नर। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के ब्यूटी रिलेटेड वीडियोज़ एंड रिव्यूज़ मैं लेकर के आती रहती हूँ आपके लिए। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है एंड इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो है 2025 एंड जो इसकी MRP है वो दी है लाइक 259 रुपीज़। बट अगर आप इसे मार्केट में लेने जाते हैं या इसे आप ऑनलाइन बाय करेंगे तो आपको ये अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाएगा। लाइक ये मुझे 200 रुपीज़ का मिल गया था। सो या फ्रेंड्स, अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो के एंड में आपको पता लग जाएगा कि आपको ये वाला प्रोडक्ट बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए, और इसे अप्लाई कैसे करते हैं और कौन कौन से लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने वीडियो में बताऊँगी, तो इसलिए मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सो या फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं ये मास्क का रोज़ एसेंस मेकअप फिक्सर स्प्रे है एंड ये कुछ इस तरह की बॉटल में आता है। पैकेजिंग वॉज गुड एंड जो इस सो फ्रेंड्स, ये जो मास्क का रोज़ मेकअप फिक्सर है ये एक रिफ्रेशिंग मिस्ट की तरह काम करता है एंड आपके जो मेकअप है उसको सेट रखता है एंड आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, कूल रखता है। एंड जो इसकी नेट वेट है वो है 120 ml, यानी कि आपको जो ये प्रोडक्ट है वो 120 ml मिलेगा। एंड मैं आपको बता दूं कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। अगर आपकी स्किन जो है ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल स्किन है, तो ये सबके लिए ये सारी स्किन टाइप को सूट करेगा जैसा कि इसमें मेंशन है। एंड ये एक रिफ्रेशिंग मिस्ट है जो कि आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखेगा, होल्ड करके रखेगा। एंड सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की। मैंने इसे खुद 2 से 3 बार यू नो ट्राई किया है एंड मुझे ये अच्छा लगा एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी अच्छी है एंड काफ़ी समय तक आपके जो मेकअप है उसको होल्ड करके रखेगा। एंड मैं आपको बता दूँ इसको जो लगाने का तरीका है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप इसे मेकअप करने के बाद सेटिंग स्प्रे लाइक जस्ट यू नो अपने पूरे फेस पे स्प्रे करके उसको ड्राई होने दे एंड उस पर बिल्कुल भी रब ना करे, ऐसे ही उसको हवा में यू नो सूखने दे। एंड जो जिनकी स्किन ऑयली है वो इसे कैसे यूज़ करें, वो मेकअप करने के पहले आप मेकअप फिक्सर पूरे फेस पे स्प्रे करने के बाद और फिर मेकअप करें, उसके बाद लास्ट में जब आपका पूरा मेकअप फिनिश हो जाए उसके बाद आप इसे यू नो अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हैं, तो भी आपके मेकअप काफ़ी समय तक होल्ड करके रखेगा। एंड अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी आप ये कर सकते हैं कि मेकअप स्प्रे जो है वो मेकअप करने के पहले भी लगाइए और मेकअप करने के बाद भी लगाइए। ऐसे करने से आपकी जो मेकअप है वो ग्लोइंग बनेगा और आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको दी एंड आप अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है और रीज़नेबल प्राइस में अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा हद तक यू नो रीज़नेबल है। आप एक अच्छे रीज़नेबल प्राइस में इस तरीके का अगर आप मेकअप फिक्सर आपको मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड सो फ्रेंड्स, ये मेकअप फिक्सर बेसिकली करता क्या है कि जब भी हमारे स्किन पे मेकअप होता है तो जो भी उसमें पाउडरीनेस होता है ये उसे कम करता है एंड हमारे स्किन को नेचुरल लुक देता है। सो या फ्रेंड्स, मुझे पर्सनली ये अच्छा लगा और आप भी इसे बाय करना चाहते हैं सो गो फॉर इट। ये था मेरा रिव्यू एंड होप यू लाइक इट। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइस।